बेहतर रिजल्ट देने के लिए मशहूर भिलाई के शकुंतला विद्यालय के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपना परचम लहराकर बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा लिया है, क्योंकि इस बार भी शकुंतला विद्यालय ने शानदार रिजल्ट दिया है। स्टूडेंट्स के उत्कृष्ट रिजल्ट पर शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर विपिन ओझा ने प्राचार्यों, उप प्राचार्यों एवं संबंधित शिक्षकों को बधाई देते हुए अपने विद्यार्थियों और उनके पालकों की सराहना की। इस दौरान बोर्ड परीक्षा के उत्तीर्ण विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के अनुभव को ग्रैंड एशियन न्यूज से कुछ इस प्रकार साझा किया। जिले में संचालित शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल लगातार विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देते हुए उन्हें लक्ष्य तक पहुंचा रहा है। हर वर्ष यहां के विद्यार्थी बेहतर रिजल्ट लाकर ये साबित भी करते हैं। हम बता दें कि भिलाई के रामनगर में संचालित शकुंतला विद्यालय और शारदा विद्यालय का CG व CBSE कक्षा 12वीं का रिजल्ट काफी बेहतर रहा। CG व CBSE के इन कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने अपनी शाला का नाम रोशन किया है। शाला प्रबंधन ने विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन किया व दिल से बधाई दी, साथ ही विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना दिल से की। हमारे स्कूल के CBSE बोर्ड के बच्चे और CG बोर्ड के भी बच्चे दोनों ही बोर्ड में अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा रिजल्ट दिए। जैसे हम लोग की सोच थी उसी के हिसाब से बच्चों ने अपना परिश्रम किया और रिजल्ट दिए। सबसे पहला जो सिटी टॉपर बच्चा रहा अमित रहा, और वो स्टेट का सेकंड टॉपर भी है, और उसके बाद जो सेकंड नंबर है दुबे जी हमारे, वो भी बहुत अच्छा काम किए हैं। और हम केमिस्ट्री में 100 में 100 और कंप्यूटर साइंस में 99, इस प्रकार से फिजिक्स में 99, इस प्रकार से मार्क्स जो हमारे बच्चे लाए हैं, मतलब कि वंडरफुल है, बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा बहुत स्टेट टॉपर बनने से मात्र एक नंबर से चूक गए बच्चे, नहीं तो स्टेट टॉपर हमारे विद्यालय का होता। लेकिन फिर भी हमें गर्व है कि इस बार हम सिटी टॉपर हमारे बच्चे बने हैं। कोई भी काम अच्छा करते हैं तो रुकावटें तो निश्चित रूप से आती है, कई प्रकार के कई लोगों की तरफ से आती है। बच्चे लोग को जो कोरोना के बाद 2 साल के घर पे रहे कैद, उसके बाद बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोग के लिए कि बच्चों को ट्रैक पे लाना। राइटिंग स्किल उसमें सबसे पहला था कि उसको बहुत कैसे हम इम्प्रूव करें, तो बच्चों को बार बार हमने शुरुआत से ही, जैसे ही सत्र शुरू हुआ, हमने राइटिंग स्किल पे ध्यान देने के लिए कहा, और बार बार बच्चे लोगों ने लिख करके अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि उनके लिखे एल्वर ने मार्क्स दिए और बहुत अच्छे नंबर से वो पास हुए। मार्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी चीज़ एक सही है, और बच्चों को अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। 12th तो मालूम है आपको, ये चौराहा है, यहाँ से बच्चे अपने दिशा तय करते हैं। तो हम उन बच्चों को कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत करके स्कूलिंग लाइफ में अपना परचम फहराया है, उसी प्रकार से जीवन में आगे बढ़ें और जहां भी जाए शकुंतला विद्यालय, अपने पेरेंट्स और अपने स्कूल का नाम ऊंचा करें। तो वहीं उच्च अंक प्राप्त कर शाला व परिवार को गौरवान्वित करने वाले CG बोर्ड व CBSE के विद्यार्थियों ने अपने स्कूल की सराहना दिल से की। शाला की शिक्षण शैली मोटिवेशनल प्रोग्राम को काफी कारगर बताया और अध्ययन के दौरान हुए अनुभवों को ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ साझा किया। मैं अमित कुमार पंचायन हूँ और मेरा CBSE बोर्ड में 97.8% है। बहुत अच्छा लग रहा है कि जस्ट कि फोकस करें अपने पढ़ाई के ऊपर और इतना ज़्यादा भी इसमें मोटिवेटेड रहें ताकि उनको सक्सेस मिले। वो पीरियड मैं कहना चाहूँगा कि हमारे स्कूल लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड था, क्योंकि वही टाइम था जब हम लोग ने बहुत कुछ सीखा। हमारे फैकल्टीज़ ने हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाया भी और हम लोग की ज़िंदगी के लिए मोटिवेट भी किया। मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि उनको अगर मेरे जैसा करना है या मेरे से अच्छा भी करना है तो वो बस NCERT में ही फोकस करें और सिर्फ जो टीचर्स बोल रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करें। मोबाइल जो है वो एक बहुत अच्छा एसेट प्रूव किया जा सकता है, अगर हमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसमें ज़्यादा घुस ना जाएं। हमें बस उससे अपना प्रॉफिट देखना चाहिए, हमें उससे अपना लॉस नहीं करना चाहिए। मेरा नाम स्पर्श दुबे है, मैं शकुंतला विद्यालय से हूँ। CBSE 12th बोर्ड में मेरे 95.2% आए हैं एंड मैं स्कूल में ओवरऑल 3rd रैंक पे।
अनुभव एकदम से स्मूथ नहीं था कि हमेशा अच्छा ही होते रहा। कभी कभार कुछ प्री बोर्ड्स में कुछ टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स आए, जितना जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी कम। लेकिन इस दौरान स्कूल के मैनेजमेंट ने, स्पेशली जो फैकल्टी है, उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा हेल्प किया। जो भी जैसा भी टाइम होता, जैसे कभी कभार था कि मैंने अपने टीचर्स को रात को 9 बजे कॉल किया डाउट लिया, उन्होंने तब भी उसको सॉल्व किया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उनके लिए यही है कि बस जो आपके टीचर्स बोलते हैं उनको लक्ष्मण रेखा मान के उसी का पालन कीजिए, क्योंकि वो एकदम सही बोलते हैं। और एनसीईआरटी तक ही रहिए, क्योंकि बोर्ड एंटायरली एनसीईआरटी बेस्ड है, उसी को पढ़िए। और जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी को करिए, तो ताकि क्या आप एग्जाम हॉल में कंफर्टेबल रहें। मैं एक्चुअली 12th पास आउट हूँ, तो मेरे को इसका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितना मेरे जूनियर्स ने मेरे को बताया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था उनके लिए। मैं हिमांशु दुबे, सेकेंड हाइएस्ट 96.8% इन 12th बोर्ड्स। अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, हमारे स्कूल के सारे फैकल्टीज ने मुझे बहुत मदद की। मुझे कभी भी कुछ डाउट हो रहा तो ऐसा नहीं था कि डाउट क्लियर नहीं हो रहा, कभी भी कुछ भी टाइम हो डाउट क्लियर हो जाता था। सब्जेक्ट मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत फोकस किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इन पे काम करना है। कंसंट्रेशन की बात करें तो जब तक आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, वो किसी के लिए 1 घंटा हो सकता है, किसी के लिए 3 घंटा हो सकता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन एटलीस्ट आपको रोज 6 से 7 घंटे पढ़ने चाहिए। मिस तो मैं बहुत करूंगा यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के पूरे स्टाफ को, पूरे मैनेजमेंट को। और खासकर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैं, मुझे शुरू में थोड़ा वीक लगता था वो, लेकिन साथ साथ उस टीचर्स की मदद से और मैंने अपने कंसिस्टेंसी से उसमें मेहनत की और केमिस्ट्री में मुझे 100 out of 100 मिला। और ऐसी बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसी किया मैंने, और मैंने हर सब्जेक्ट में बहुत मेहनत की और इसी कारण मुझे 96.8% मिले। मेरा नाम मनीष यादव है, मैं क्लास 12 सीजी का स्टूडेंट हूँ। मेरा ओवरऑल 93% बना है और मैं शकुंतला विद्यालय का स्टूडेंट हूँ। अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, पूरा मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट और सारे टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे होल ईयर, और उन्हीं के चलते आज मैं इतना नंबर ला पाया हूँ। मेनली अकाउंट्स मेरा शुरू में बहुत वीक था, तो मैंने अकाउंट्स पर ज़्यादा फोकस किया। आपको जिस सब्जेक्ट पर लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उस पर देना चाहिए। आगे मैं बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहता हूँ। मैम इकोनॉमिक्स के लिए तो बाकी जैसे सब्जेक्ट की तैयारी की वैसे ही की, 2 से 3 घंटे रोज दिए इकोनॉमिक्स को। विद्यार्थियों के लिए यही संदेश कि विद्यार्थी कंसिस्टेंट रहें और लगातार अपनी पढ़ाई करते रहें। सर मैम, हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे डायरेक्टर सर, जिन्होंने पूरे साल हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और इतने नंबर लाने के लिए प्रेरित किया। अपनी आंखों में अपनी सफलता का स्वप्न लिए ये विद्यार्थी काफी आगे होंगे, ऐसी कामना भी हम दिल से करते हैं। बहरहाल विद्यार्थियों ने उच्च अंक प्राप्त कर जिले सहित प्रदेश को और साथ ही अपने परिवार को गौरवान्वित किया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।